अच्छा, आज हम बाइनरी नंबर सिस्टम चेक करेंगे और उसके रेलेवेंट जो कुछ टर्म्स है ना, जैसे वर्ड हो गया, सिंगल वर्ड हो गया, डबल वर्ड हो गया, वो चेक करेंगे क्या कहते हैं। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में हमारे पास दो यूनिक सिंबल्स होते हैं, जीरो और वन। इन दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं कि दो सिंबल होते हैं जिसको बेस टू या रेडिक्स टू भी कहते हैं ना, ठीक है, इसका दूसरे नाम है। हर एक डिजिट को हम एक बिट कहते हैं ना, मतलब अगर जीरो है या वन है, हर एक हो क्या हो जाएगी, एक बिट है, ये जीरो एक बिट है। अब जो दो पार्ट्स को सेपरेट करते हैं उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं, यानी कि हमारे इंटीजर, ठीक है। अब देखिए, फ्रैक्शन पॉइंट क्या होता है, बाइनरी नंबर सेपरेट्स इंटीजर एंड फ्रैक्शन पॉइंट, ठीक है, उसको हम बाइनरी पॉइंट कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये जो है ना, ये बाइनरी पॉइंट है, इसे इधर इधर 2^0, 2^1, 2^3, 2^4, 0, 1, 2, 3 इस तरह चलता जाता है, और इस तरफ जाए तो 2^-1, -2, -3 इस तरह आगे चलता जाता है, ठीक है। ये जो इस तरफ लेफ्ट साइड पे होती है उसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, ठीक है, इसकी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है। इसी तरह इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, या LSB, इसकी सबसे कम वैल्यू होती है, लोएस्ट वैल्यू, ठीक है। ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, हाईएस्ट पोजीशन वैल्यू होती है इसकी, लोएस्ट पोजीशन वैल्यू। अब देखें, डेसिमल नंबर्स के गेंस जो बाइनरी होते हैं, जीरो की बाइनरी 000 है, इसी तरह वन की बाइनरी 001 है, इसी तरह टू की बाइनरी 010 है। आगे हम बाइनरी सिस्टम की कन्वर्जन भी हम चेक करेंगे, ठीक है, डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट कैसे करते हैं। 3 की बाइनरी इसी तरह आगे चलती जाती है, 15 की बाइनरी 1111 सेपरेटली भी इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिट, देखिए बिट हम एक बाइनरी डिजिट को कहते हैं ना, अब बाइनरी डिजिट्स कॉल्ड बिट, सिंगल बाइन, जैसे 1 एक बिट है ना, 0 एक बिट, सिंगल यूनिट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। निबल क्या होती है, ठीक है, निबल अगर हमारे पास चार बाइनरी बिट्स हों तो उसको हम निबल कहते हैं, देखें 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये एक निबल है और ये सारे जो है एक निबल है, ये भी एक निबल है, ये भी एक निबल है, ये भी एक निबल के अंदर चार बिट्स होती है, ठीक है, और एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, ठीक है, एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होती है, ठीक है। और अगर बाइट और निबल का कंपेयर किया जाए, देखे ना, एक बिट के अंदर 1 होता है, इसके अंदर 4 होती है, इसके अंदर 8 होती है, तो एक बाइट के अंदर 2 निबल होती है, तो देखे ना, ये 4 है ना, 4 और 4 मिलकर 8 बनते हैं, तो एक बाइट के अंदर 2 निबल होती है, हायर निबल, लोअर निबल। इसी तरह वर्ल्ड क्या चीज होती है, वर्ल्ड हमारा 16 बाइनरी से मिलकर बनता है, ठीक है, 16 बाइनरी से मिलकर बनता है, तो उसका मतलब क्या हुआ, जब 16 से बनता है तो इसके अंदर 2 बाइट्स होंगे, ठीक है, ठीक है ना, ये 8 वाला था ना, 8 और 8 मिलकर 16 ना, तो इसके अंदर 2 बाइट्स होगी, एक हायर ऑर्डर बाइट होगी, एक लोअर ऑर्डर बाइट होगी। इसी तरह डबल वर्ड, डबल वर्ड क्या होती है, इसमें 2 वर्ड होते हैं, 2 वर्ड का मतलब 32 है, ठीक है। इसमें चार बातें, 5 बातें ध्यान को रखने वाली हैं। बिट एक होता है, एक डिजिट को कहते हैं, निबल 4 को कहते हैं, ठीक है, बाइट 8 को कहते हैं, लेकिन 4 के बाद 8 होगी, 8 के बाद 16 होगी, 16 के बाद 32 डबल वर्ड,